मशीन को अभी वैक्यूम लगाया हमें। अब वैक्यूम प्रोसेस कैसा है इसका वीआरवी का, नॉर्मल मशीनों को जैसा अपन वैक्यूम लगा देकर छोड़ देते ना वैसा नहीं रहता इसके अंदर। इसके अंदर दो टाइप से वैक्यूम करने का रहता, एक तो जो है मैक्रोन गेज लगा देके अपने को जितना मैक्रोन होना है वीआरवी के लिए उतना आए तक जो है वैक्यूम करते रहना तो 4-5 घंटे में आ जाता, या फिर कभी कभी एक दिन भी लगाए तो नहीं आते रहता, करते रहना पड़ता वो वैक्यूम। सेकंड जो है अपन नॉर्मल जैसा वैक्यूम करते ना तो इसको दो वैक्यूमा लगाना पड़ता, एक फर्स्ट वैक्यूम लगा देना मतलब 3-4 घंटे वैक्यूम लगाना पड़ता, 4 घंटे में से जो है 1 घंटा वैक्यूम लगा देना पहले, लगा देके उसके बाद में वैक्यूम बंद कर देना, फिर गैस जो है 410 गैस जो भी गैस है इसके अंदर वो गैस फिल कर देना। गैस फिल करके 1-2 किलो होता चढ़ने के बाद में फिर पूरा गैस उड़ा देना, कहीं को बोले तो इसके अंदर जो मॉइस्चर रहता ना पूरा मॉइस्चराइज अंदर से क्लीन हो जाना पूरा बोले ऐसा, फिर वो गैस पूरा निकल के फिर वैक्यूम लगा देना। गैस फिल करके निकालने के बाद में मिनिमम 2 घंटे वैक्यूम लगाना, मैक्सिमम जितना वैक्यूम करे उतना और अच्छा रहता, उसके बाद में गैस फिल कर देने का रहता।